नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 Lite वर्सेस Lava Agni 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10 Lite में 6.52 इंच जबकि Lava Agni 5G में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 Lite में 3.02 इंच जबकि Lava Agni 5G में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 Lite में 0.35 इंच जबकि Lava Agni 5G में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Lite से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 Lite में 209 ग्राम जबकि Lava Agni 5G में 204 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 Lite में 6.67 इंचेस जबकि Lava Agni 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi Note 10 Lite में 1080x2400 और Lava Agni 5G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 Lite में 84.62% जबकि Lava Agni 5G में 84.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 10 Lite में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Lava Agni 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 Lite में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Lava Agni 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 10 Lite में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Lava Agni 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 Lite में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Lava Agni 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 10 Lite में Adreno 618 जबकि Lava Agni 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10 Lite में Qualcomm Snapdragon 720G और Lava Agni 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 10 Lite में 4GB जबकि Lava Agni 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 10 Lite में अप टू 512GB जबकि Lava Agni 5G में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 10 Lite में 5020mAh जबकि Lava Agni 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10 Lite में 4 कलर्स जबकि Lava Agni 5G में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Redmi Note 10 Lite 15,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें लावर अग्नि 5G की तो वो 17,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में लावर अग्नि 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में लावर अग्नि 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है जो कि 12,180 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max है जो कि 21,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Samsung Galaxy A52 है जो कि 24,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 Pro है जो कि 20,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।